तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद धरने में शिरकत के लिए लाहौर से जाने वाले पैदल मार्च के शुरका कामों की पहुंच चुके हैं। जानते हैं ज़ीशान ताहिर से। ज़ीशान ताहिर बताएगा कितनी तादाद में ये लोग हैं जो पैदल सफर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये लाहौर से जो दाता दरबार से सुबह जो है ये काफिला चला था, ये पैदल चलता हुआ, अब जो है इन्होंने जो है 50 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। अब लोग जो है कामोकी में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो है काफ़िले की क्यादत, जो मैं आपको बताऊं कि काफ़िले की क्यादत जो है वो शबीर सियाल साहब हैं, मरकज़ी रहनुमा, वो इस वक्त काफ़िले की क्यादत कर रहे हैं। इस काफ़िले में जो है 25 से 30 लोग जो है वो शामिल हैं। इनके लिए सिर्फ जो है पानी का बंदोबस्त किया गया है। इसके अलावा जो है ये जिस भी हलके में जाते हैं वहाँ के जो टिकट होल्डर्स हैं वो इनकी खातर तवाज़े करते हैं। उसके अलावा जो है अभी इस वक्त जो है हमारे साथ शबीर सियाल साहब मौजूद हैं, ये उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके हौसले अभी भी बुलंद है या आपको थक चुके हैं। अच्छा जी शबीर साहब, आप हमें बताएं कि अब आपके हौसले अभी भी बुलंद है चुके हैं? समझता हूँ, मेरा सफ़र अभी शुरू नहीं हुआ। अच्छा, और जो इस्लामाबाद में हुआ है आपकी ख्वातीन के साथ यूथ कन्वेंशन में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? समझता हूँ ये जो ज़ियाउल हक़ की बाकियात है ना, सिविल डिक्टेटर, इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में वसीले जहन्नम होगा सियासी तौर पे। तो आपको कितने दिन लगेंगे, कितने दिन में आप लोग जो है इस्लामाबाद में पहुंचेंगे? और जी आज हमारा पड़ाव ठीक है। शुक्रिया ज़ीशान ताहिर।